फाइनली मिशन मंगल का ट्रेलर आउट हो चुका है, कितना धमाकेदार लगा ट्रेलर, क्या कहूँगा? ट्रेलर बहुत मस्त है और जैसे कि अक्षय कुमार की हर मूवी होती है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज छुपा हुआ था, और इस मैसेज में भी भारत के पहले मिशन मंगल के मिशन पे जो भी दिखाया गया, जैसे उन्होंने कठिनाइयां सही और उसके बाद अपना मिशन पूरा किया तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। हर एक ट्रेलर में हर एक सेकेंड गूस बम्स वाला था और देख कर हर किसी भारतीय को प्राउड फील होना चाहिए उस पर। मैं इसके बारे में एक ही कहना चाहूँगा, फॉर दिस मूवी स्काई इज़ नॉट द लिमिट, भले ही वो बॉक्स ऑफिस हो या आपका सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स हो, मूवी में एम्पावरमेंट है, सब लेडीज़ को देखना चाहिए, हर एक घर की एक महिला उठेगी तो ये मूवी अपने आप ही बॉक्स ऑफिस पे छाएगी। ट्रेलर इज जस्ट अमेजिंग, सुपर सुपर सुपर। हम पुणे से हैं, पुणे से आए, हमारा पुणे में एक अक्षय कुमार फैंस क्लब है नेम्ड पुणे रियक्शंस, वी आर अ डाई हार्ड फैंस ऑफ अक्षय कुमार। ट्रेलर ऑसम, हर बार की तरह अक्षय सर इस बार भी कुछ अलग ही फिल्म लेके आए, बहुत एक्साइटेड है हम इसलिए हर बार वो। हाँ मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, बाटला हाउस हो साहू हो, ये सुपर हिट होने वाली है, सुपर हिट होने वाली है। अक्षय सर हर बार कोई ना कोई लेके आते जो देश पर आधारित है, और ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज के लोग स्कूल के जो बच्चे हैं वो देखेंगे, उनके भविष्य के लिए अच्छे ये मालूम होना चाहिए उनको। एंड वी आर प्राउड ऑफ यू अक्षय सर, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द टॉपिक्स दैट नो वन नोज अबाउट इट, जस्ट किसी को मालूम नहीं है और पॉइंट्स आप लेके आ रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। मिशन मंगल देखने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग को भी एक बार जाना चाहिए एक बार तो जरूर जाना चाहिए। कितना इंस्पायरिंग, कितना प्राउड फील हो रहा था। अच्छा लगा, मतलब सुना था टीवी पे देखा था कि मेरे, मुझे जहाँ तक याद है बहुत नॉलेज तो नहीं है कि एक लेडी गई थी, हाँ उसके पहले राकेश शर्मा शायद गए थे ना, राइट ना, तो मतलब ऐसा लगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अक्षय ने फिल्म में साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल नहीं है, और जो डायरेक्टर है साउथ के उन्होंने जिस तरह से मेकिंग की है फिल्म की वो कमाल की है। ट्रेलर बहुत अच्छा है, एंड ट्रेलर देखते देखते जब ट्रेलर एंड होगा तो यू विल गेट द गूस बम्स एंड यू विल फील कि हाँ वी शुड वॉच इट। अच्छा, जिस तरीके से आपको वुमेन एम्पावरमेंट भी खुल के नजर आ रही है इस फिल्म में, उस बारे में क्या कहेंगे? इट्स ग्रेट, मतलब ट्रेलर का लास्ट शॉट देखेंगे तो अक्षय जी जो है वो पीछे हैं और आगे जो है जितनी भी विद्या बालन है, सोनाक्षी सिन्हा है, तापसी पन्नू, यू विल फील ग्रेट कि हाँ इट्स प्रोग्रेसिव फिल्म, मतलब या सो दैट्स व्हाट। इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर, अक्षय कुमार और पेट्रियाटिज्म आई थिंक सेम ही शब्द लगते हैं मुझे, किसी भी फिल्म एक्टर का अगर नाम लिया जाए और पेट्रियाटिज्म की बात की जाए तो अक्षय पाजी का नाम सबसे पहले आता है, और ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, मुझे ये बात पता नहीं थी एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय इट। सी आई जस्ट वांट टू फर्स्ट वन सी विद अक्षय सर के साथ मैंने देखा ट्रेलर, द ट्रेलर वॉज टू ऑसम फेबुलस एंड द फर्स्ट थिंग्स लाइक कि अगर उससे ज़्यादा तो मुझे अक्षय सर को देखने में ज़्यादा मजा आ रहा, जो उनको लाइव देखने मौका मिलता है आई थिंक कहीं मिलता होगा, तो आई जस्ट लव दिस ट्रेलर एंड जस्ट लव अक्षय सर। ट्रेलर वॉज ऑसम लाइक इट, आई एम आफ्टर लुकिंग दिस ट्रेलर आई एम वेरी क्यूरियस टू वॉच दिस मूवी बिकॉज दिस मूवी इज एन एग्जाम्पल दैट वॉट आर द अचीवमेंट्स दैट इंडिया हैज डन, आर नेशन हैज डन, वी नीड टू बी प्राउड ऑफ आर कंट्री, आर हेरिटेज, आर कल्चर। मेरा नाम संदीप मलानी है और मैंने इस फिल्म में काम भी किया है, मैंने एक साइंटिस्ट का रोल किया है जो मैं विद्या बालन की टीम में हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जब मैंने फिल्म में काम किया था तो मुझे इसमें फिल्म में सिनेमैटिक डायलॉग्स बिल्कुल नहीं थे बिकॉज मैं प्रॉब्लम था, बहुत साइंटिफिक डायलॉग्स थे, तो मुझे लगा ये फिल्म बहुत डॉक्यूमेंट्री रहेगी और एडुकेशन रहेगी, लेकिन जब आज मैंने ट्रेलर देखा तो बस मेरे रोंगटे खड़े होंगे, इट इज़ सो एंटरटेनिंग, इसमें हंसी है, मजाक है, एंटरटेनिंग है, सब कुछ है फिल्म में। मुझे लगता है ये फिल्म हर एवरी पर्सन फ्रॉम इंस्पायर करेगी और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इसमें काम किया, एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड लुकिंग फॉर द फिल्म। ये फिल्म ज़रूर 500 करोड़ कमाएगी जरूर बिल्कुल, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे इसमें इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यू है और हर एवरी स्कूल चिल्ड्रन शुड वॉच अ फिल्म, आई एम श्योर दिस इज। अच्छा, जिस तरह से मैं सवाल कर रही हूँ, एक तरीके से बाटला हाउस का ट्रेलर भी आउट हो चुका है, मिशन मंगल भी आउट हो चुका है, आप दोनों ट्रेलर्स में अगर कंपैरिजन करना हो तो आपको कौन सा ट्रेलर ज़्यादा पसंद है? मैं बोलूँगी ना कि कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो बाटला हाउस की जो कहानी है वो एकदम डिफरेंट है और ये तो एकदम ही डिफरेंट है, कोई चांद पे जा रहा है तो कोई नीचे लड़ रहा है। हाँ गर्व तो मतलब अभी नेचुरल है कि मास्क के ऊपर फिल्म है तो गर्व तो होगा ही, और अक्षय कुमार ऐसी ही फिल्में करते हैं, मतलब ये उनका प्रेस पॉइंट है कि वो लेडीज़ के अच्छे के लिए करते हैं, चाहे वो पैडमैन हो चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम करता हो, मतलब वो लेडीज़ को ना लगता है दिल से समझते हैं, तो वो लेडीज़ को हमेशा प्रमोट करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं। आज उन्होंने इस फिल्म में दिखाया कि लेडीज़ चांद पर भी जा सकते,
ऑडियंस डेफिनेटली डिपेंड करता है, जैसे सिंगल स्क्रीन्स आप देखोगे बाटला उसकी तरफ ज़्यादा होगा, बट मल्टीप्लेक्स प्लस सिंगल स्क्रीन इसको मिशन मंगल को प्रेफर करेगी। सो मिशन मंगल एक ऐसी बनाई गई है, उन्होंने पहले ही बोला था कि इसमें एंटरटेनमेंट भी है, इट इज़ नॉट डॉट दैट, वो बताया गया है। हाँ, बाटला हाउस जैसे हम लास्ट देख चुके हैं सत्यमेव जयते, बहुत ही सिमिलर लग रही है। सो पब्लिक अभी वो सब छोड़ के दे ट्राई समथिंग न्यू, तो ये जरूर चलेगी डेफिनेटली। ये कहना चाहूँगा मैं कि 70-30 का रेस होगा, बाटला हाउस 30 जाएगी और मिशन मंगल 70% जाएगी। वो भी असली कहानी है, वो भी दिल्ली की असली कहानी। लेकिन ये जो है मार्स पर पहली फिल्म बनी है जो कि अक्षय सर ने की है, पहली बार। वो तो हर बार देख सकते हैं, वो घर पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसी फिल्म थिएटर में ही देखने चाहिए एक। हाँ, और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, वो तो घर पे भी देख सकते हैं बाटला हाउस, लेकिन ये थिएटर में ही देखना चाहिए। मैं दोनों प्रेफर करूँगा यार, बिकॉज जॉन एंड अक्षय बोथ आर माई फेवरेट, एंड दोनों मेरे शो पे बहुत बार आ चुके हैं और दोनों एक साथ भी बहुत बार आए हैं। एंड अदरवाइज पर्सनल फेवरिज्म के अलावा भी आई थिंक दोनों अलग अलग फ्लेवर्स की फिल्म है, और 15 अगस्त की छुट्टी है यार, आई थिंक सब लोग आराम से, हाँ मतलब कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, तो हम सबको दोनों देखनी चाहिए। सी, ये तो एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि लाइक मैं ना उधर जाऊँ ना इधर जाऊँ, आई लव बोथ। मैं जॉन सर का फैन हूँ, अक्षय सर का भी फैन हूँ, तो मैं दोनों मूवी देखना पसंद करूँगा। Honestly, competition is must. Without competition, nothing is possible. But obviously, I'll support Akshay Kumar. He's my favorite. He's my Guruji. He's my idol. So obviously, first day, first show, I'll be waiting for his movie, Akshay Kumar. जिस तरीके से you know एक women empowerment भी नजर आ रहा है, उस बारे में क्या कहो? वो ये main है कि मतलब इंडिया में एक बहुत बड़ी बोलते हैं ना कि बदनसीबी है कि लेडीज़ को बहुत नीचे जा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि लेडीज़ को कम आका जाता है, लेकिन इंडिया में लेडीज़ को कम आका जाता है, लेकिन इंडिया की ही लेडीज़ कमाल करती है। अगर आप देखेंगे ना तो मदर टेरेसा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो इंडिया की थी, राइट ना? अगर इंदिरा गांधी देखें तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अब इसमें भी यही दिखाया है कि एक लेडी पूरी बनाती है, लेकिन साइंस चांद पर जाने के होम साइंस से वो इतने बड़े साइंस का चमत्कार करने का सोचती है। मतलब औरत के दिमाग को हम आँक नहीं सकते, बोलते ना औरत के दिमाग को कभी ये मत करो, गलत मत साबित करो, क्योंकि औरत क्या सोचती है ना उसको खुद नहीं पता होता। सो वी आर स्ट्रांगली एक्साइटेड टू सी देम वर्किंग टुगेदर। हाँ, वो तो है ही, लेकिन क्या है, जिस तरह से उन्होंने किरदार किया है जो कि वो असलियत में है, वो अभी फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। ट्रेलर से तो पता चल रहा है बहुत ही बड़ी मुश्किल से किया होगा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 5-5 एक्टर्स और एक्ट्रेस और एक एक्टर होने के बावजूद भी ये फिल्म सुपर से डुपर हिट होगी। आई थिंक 5 एक्ट्रेसेस हैं, उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि 5 साइंटिस्ट ने, फीमेल साइंटिस्ट ने ये मिशन एग्जीक्यूट किया था, और होम साइंस की भी बीच बीच में झलक हमें दिखाई गई है कि हम कैसे जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं उससे भी हम इंस्पायर हो सकते हैं, और लॉजिक निकाल के हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लॉजिक निकाल के मैजिक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक्चुअली वुमेन शुड नेवर बी फील्ड बैक, उनको हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए साइंटिस्ट जो अभी नासा में है, इसरो में है, उनका जो मेजोरिटी है वो एक्चुअल में मेन से ज़्यादा है अभी, वुमेन्स का जो मेजोरिटी एक्चुअल मेन से ज़्यादा है अभी। So, women are actually a backbone of this country. Wonderful country. अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहिए? Well, अक्षय कुमार जैसा मजाक किया उसने, वो ट्रिपल फिल्म में ही प्लेड अ साइंटिस्ट, अ वेरी सीरियस रोल, एंड उसमें कॉमेडी भी की उसने, एंड यू नो व्हाट, ही केप्ट एंटरटेनिंग द शूटिंग में भी। ही इज अ वंडरफुल एक्टर, उनकी जो भी फिल्में आ रही है, स्पेशल 26 या केसरी या जो भी है ना व्हाट, पैडमैन, एवरी फिल्म हैज अ मैसेज, और इसमें भी मैसेज है। सैल्यूट टू हिम फर्स्ट फॉर बीइंग अ प्रोड्यूसर, ट्विंकल खन्ना और अक्षय, लवली एक्टर, एंड आई होप दिस फिल्म विंस अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स आल्सो। अक्षय सर के लिए यही कहना चाहेंगे, सर ऐसे सब्जेक्ट लाते रहो, ऐसी मूवीज बनाते रहो, एंड आपका फैन क्लब बड़े से बड़ा होता रहेगा। जैसा कि अभी हमने देखा, एक दिन पहले ही अक्षय सर ने असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए डोनेशन दिए है और जंगली जानवरों के लिए भी। तो एक आदमी जो इतना कुछ कर रहा है भारत के लिए, तो उसके लिए हमें खुद अपने दिल से ही प्राउड फील होता है कि हम ऐसे बंदे के फैन है जो रियली में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया के लिए बहुत कुछ करता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अक्षय कुमार इज नॉट अ कैनेडियन, इज एन इंडियन। इंडियन दिल से होता, कोई एक पेपर पे लिखने से इंडियन की डेफिनेशन नहीं हो जाती। इंडियन तो हमारे कश्मीरी भी है और भी है, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन भी है, लेकिन नाम से इंडियन कुछ नहीं होता, दिल से इंडियन होना चाहिए, और वो अक्षय कुमार है जो सच्चा इंडियन है पूरे बॉलीवुड में। This is a message actually for you that you should go and must watch this movie because this will give you a sense of motivation.
to do something for your country. See, Akshay sir, I love sir. See, simple dot. Unki har ek movie mein mujhe ek seekh milti hai. Like, kuch mein India mein kya kya chupa pada hai. India mein har ek... See, India mein itne sare secrets hain jo aam insano ko nahi pata. Wo aam insano ko kiske through pata chalta? In actors ke through. So I think love this for actors like Akshay sir ho gaye, I think John sir ho gaye, Amir sir ho gaye. It's a big like un log wo log hum log ko seekh dete hain. So I love this. ज़रूर देखिए, इंडिपेंडेंस डे रिलीज़ होगी, भारत हमारा भारत महान, जय भारत, जय हिंद. मिशन मंगल इज़ अ फिल्म फॉर एवरी पर्सन, हर हर जवान, हर बूढ़ा, हर एवरी पर्सन, फॉर बच्चे से बूढ़े से हर लोग फिल्म देखना चाहिए ज़रूर. थैंक यू सब जय. विच चैनल है ना? अभी ट्रेलर तो मतलब मुझे अच्छा ही लगा, 4 स्टार दूंगी जरूर. स्टार्स या बिकॉज देश के ऊपर जब फिल्म आ जाती है तो स्टार्स क्या देने. ट्रेलर आई थिंक 4.5 stars. 5 out of 5, yeah, sure. 100 out of 100. Movie के लिए कोई stars नहीं, मैं तो planets दूंगा, planet. I'll give this trailer 4 stars out of 5. 5 on 5. वो भी कम है मेरे.